हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैवलॉक डायरीज। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द मंथ ऑफ मई, कि मई का महीना अंडमान्स के लिए कैसा होगा, आपको अंडमान्स प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं देन वाटर एक्टिविटीज में क्या क्या मिलेंगे आपको, फेरीज कैसे चल रही है, टेम्परेचर स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, एंड स्पेशली अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको यू नो कैरी करनी चाहिए या फिर आपको पैकिंग कैसे करनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप मई के महीने में एक अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच। सो हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज नायोमी और मैं इस खूबसूरत से आइलैंड में रहती हूँ जिसका नाम है हैवलॉक। ओके, सो फर्स्ट आप ये वाला बीच देखिए, बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, लाइक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी बोलती हूँ मुझे राधानगर से भी ज़्यादा ये अच्छा लगता है, बिकॉज फर्स्ट ये मेरे घर से ये जस्ट दो मिनट की दूरी में, दो मिनट भी नहीं, एक मिनट की दूरी में। और आप पानी का कलर देखिए, लाइक इट्स ब्यूटिफुल स्पेशली इन हाई टाइड। इनफैक्ट अगर लो टाइड भी हो रहा है ना तो भी पानी पीछे चला जाता है, बट इट इज़ नॉट दैट रॉकी, यू नो यू कैन वॉक डाउन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें स्पेशली जब आप हैवलॉक में प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं ना, यू नीड टू सी इफ योर बीच इज रॉकी और नॉट। अगर सोचिए अगर हो गया बारिश हो गया या कुछ भी हो गया, थोड़ा टाइम तो आपको होटल में भी स्पेंड करना है ना, तो आप बीच पे जा सकते कि नहीं, पानी में घुस सकते कि नहीं, ये सब चीज़ें भी यू नो आई फील इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर बुकिंग, जस्ट चेक इट। लाइक ऐसा होता है आपका डॉल्फिन के बाद की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनके बीचेस थोड़े ज़्यादा अच्छे कंपेयर टू उसके पहले के। सो दिस इज वन थिंग। ओके, सो अब हम लोग आते हैं मई में। टेम्परेचर तो एज यूजुअल पूरे इंडिया में जैसे यू नो 40, 41, 42, इवन मैंने रिसेंटली देखा 45 तक टेम्परेचर चला गया था। कंपेयर टू दैट दिस प्लेस इज मच कूलर आई फील। लाइक हाँ गर्मी तो है, गर्मी तो लग रही है, ऑब्वियसली बीच है तो गर्मी तो लगेगी, सारे साल यहाँ पे गर्मी रहती है, बट यू नो इट्स बेरेबल, यू कैन प्लान। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ घूम नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आप वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अगर पानी में घुस रहे हैं ना, सो इट इज़ प्लेजेंट, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन प्लान दैट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग हो गया। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट फेरीज। फेरीज आर ऑन टाइम, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा फेरीज भी ऐड हुए हैं बिकॉज फ्लाइट की वजह से यू नो जब भी गेस्ट आ रहे थे एक ही टाइम पे आज आ रहे थे तो डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। सो देर आर ऑल द फेरीज आर वर्किंग ऑन टाइम, ऑल वाटर एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल, मे इट बी एलिफेंट बीच, मे इट बी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा तो हमेशा ही रहता है एलिफेंट बीच में, लाइक मानसून में कुछ एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, बट अभी तक वैसा कुछ नहीं है। जबकि लास्ट ईयर मई में आपकी बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई थी। इनफैक्ट मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो भी है जो मैंने मई में बनाया था, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर एंड इट वॉज लाइक एकदम सरप्राइजिंग था बिकॉज मई यूजली आपका समर्स ही होनी चाहिए थी, बट फिर बारिश आ गई थी तो फिर थोड़ा सा यू नो डिफरेंस हो गया था। वो जो बोलते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल है अंडमान का क्लाइमेट, वैसा वाला हो गया था। बट इस साल होपफुली अभी तक कोई बारिश का कुछ नहीं है, मोस्टली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही क्लाइमेट रहेगा। अगर हो गई तो मेरे को ब्लेम मत करना बिकॉज आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट वी आर होपिंग कि इस साल वैसा कुछ नहीं होगा। एंड सेकेंडली प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गो फॉर अ बीच प्रॉपर्टी, दैट्स मैंडेटरी, हैवलॉक में रह रहे हो बीच प्रॉपर्टी ही बुक करना, सब कुछ सही है। यू कैन प्लान अ ट्रिप ऑन द मंथ ऑफ मे। सो इफ यू आर प्लानिंग और कोई गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। और अगर छोटा बच्चा है आपके साथ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर यू नो फैमिली ट्रिप है, छोटे बच्चों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, नेसेसरी मेडिसिन हमेशा कैरी करिएगा अपने साथ। अगर डाइपर नीडेड है, बेबी फूड नीडेड है, थोड़ा सा हैंडी रखिएगा। इट इज़ अवेलेबल इन पोर्ट ब्लेयर मोस्टली, तो जब आप पोर्ट ब्लेयर आ जाते हैं अपने बच्चे का डाइपर, जो भी बेबी फूड चाहिए, जो भी मेडिसिन चाहिए, सब कैरी करके देन यू कम टू हैवलॉक एंड देन गो टू नी। इस एक्सपेक्टेशन में मत आइएगा कि हैवलॉक में जाके मिल जाएगा, हैवलॉक में मिल जाता है बट एज लॉन्ग एज इट इज़ अवेलेबल। अगर सोल्ड आउट हो गया देन इट्स गॉन, यू विल फॉल इन ट्रबल। सो थोड़ा सा यू नो देख के। सो ये था बच्चों के लिए गाइडेंस, और बड़ों के लिए वाटरप्रूफ कपड़े कैरी कीजिए, लाइट कैरी कीजिए, लाइट पैकिंग करिए, मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पानी में जाओगे सारा मेकअप धुल जाएगा, ठीक है। सो एकदम हल्का पैकिंग करो और आराम से एकदम यू नो रिलैक्स होकर घूमो। ऐसा पैकिंग करो कि यू नो तीन जने अगर तीन ही बैग हो उससे ज़्यादा ना हो ताकि कैरी कर पाओ, ईजी हो। लाइक बैग ज़्यादा ले लेने से ना घूम के मज़ा नहीं है, आई फील दैट। सो या डू अ स्मार्ट पैकिंग एंड अ स्मार्ट ट्रिप। अगर प्लानिंग में कोई भी हेल्प चाहिए फील फ्री, दैट्स माई नंबर, गिव मी अ कॉल एंड वी विल डेफिनेटली मीट वंस यू आर इन हैवलॉक। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और पानी पीते रहना प्लीज़।